खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत बैतूल की बड़ी खबर के साथ। बैतूल में दो होटलों में लगी आग, जहां आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग से बाल बाल बचा पेट्रोल पंप। आग लगने का कारण अज्ञात है। बड़ी खबर बैतूल से, जहां पर दो होटलों में आग लग गई और आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल रहा। आप ये देखिए कि आग से अफरा तफरी मची। संवाददाता ऋषु नायडू जुड़ गया। ऋषु, कैसे लगी आग, पूरी जानकारी दें और अभी क्या स्थिति है? जी देखिए रीनू, रात में ही आग पर काबू पा लिया गया था। दो फायर ब्रिगेड बुलवाई गई थी, आग पर तो काबू पा लिया गया। आग किन वजह से लगी, शॉर्ट सर्किट से लगी है या किसी एलपीजी सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लगी, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन आग लगने से दो होटलों में रखा लगभग लाखों का सामान जो है जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। काफी अफरा तफरी का माहौल रहा और सबसे खतरे की बात ये थी कि इन होटल्स के बमुश्किल 20 मीटर दूर पे पेट्रोल पंप है और अगर आग बढ़ जाती तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और इसी, ये काफी व्यस्त इलाका है बैतूल का, मार्केट एरिया है पूरा, कुछ अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी है इधर बाजू में। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया और अभी जांच चल रही है कि किन कारणों से ये आग लगी थी। बहुत शुक्रिया आपका ऋषु जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि किन कारणों से आग लगी है, लेकिन आग को देर रात ही बुझा लिया गया। गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई आया नहीं है, लेकिन लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। महादेव सट्टा ऐप के सरगना पर इनाम घोषित किया गया। दुर्ग एसपी और दुर्ग आईजी ने इनाम किया घोषित। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर रखा गया इनाम। आईजी दुर्ग ने 25,000 रुपए और दुर्ग एसपी ने 10,000 का इनाम रखा है। आरोपी आरक्षक अर्जुन सिंह यादव को बर्खास्त किया गया। संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, सट्टा किंग के खिलाफ इनाम रखा गया है, पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल रीनू, महादेव सट्टा ऐप को लेकर के ईडी लगातार कार्रवाई करती रही है और इसके साथ ही साथ जो पुलिस है छत्तीसगढ़ की, वो भी लगातार कार्रवाई करती रही है। कई दर्जनों आरोपियों को पहले भी जो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने, अलग अलग जिलों की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल जो महादेव सट्टा ऐप के सरगना है प्रमोटर सौरभ चंद्राकर है, उसके सर पर इनाम पुलिस ने घोषित कर दिए हैं और इसमें अलग अलग इनाम घोषित किया गया है। आईजी दुर्ग ने 25,000 का और दुर्ग एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। और इस जो सट्टा ऐप की संलिप्तता में एक आरक्षक अर्जुन सिंह यादव को गिरफ्तार किया था, उसे जेल में भी दाखिल किया गया है और उसकी संलिप्तता पाई गई है। और उसके बाद पुलिस ने, एसपी दुर्ग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो आरक्षक है अर्जुन सिंह यादव है, उसे टर्मिनेट कर दिया है। तो एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। और ये जो प्रमोटर है सौरभ चंद्राकर, अब उसकी तलाश में सरगर्मी से जुट गई है। जो इनाम, जो इनके पता बताएगा या इसकी जानकारी देगा, उसे इनाम भी दिया जाएगा। तो एक घेरेबंदी पुलिस ने जो करना है वो शुरू कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। तो अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आईजी दुर्ग ने 25,000, एसपी ने 10,000 का इनाम घोषित किया है। अब चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। कवर्धा से बड़ी खबर, जहां पुलिस नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। 15-20 मिनट आमने सामने से फायरिंग की गई। पुलिस की कार्रवाई के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। सभी जवान सुरक्षित हैं। सर्चिंग के लिए निकले थे जवान। जवानों ने नक्सलियों से काफी सामान भी बरामद किया है। नक्सलियों का सामान बरामद किया गया। चिल्फी थाना क्षेत्र के मारा डबरा जंगल की घटना एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पुष्टि की है। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आमने सामने से दोनों पक्षों के बीच फायरिंग होती रही। पुलिस की कार्रवाई के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जानकारी है कि सर्चिंग के लिए जवान निकले हुए थे और इसी दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई है। संवाददाता मनीष मिश्रा कवर्धा से लाइव जुड़ गए। मनीष, मुठभेड़ हुई नक्सलियों के साथ, देखा गया कि नक्सली भाग खड़े हुए, काफी सारा सामान भी बरामद किया गया है। मनीष। हाँ बिल्कुल रेणु, जिस तरह से पुलिस को पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिली थी कि सशस्त्रधारी नक्सली जो हैं वो एकत्र हुए हैं। ये घटना है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, चिल्फी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मारा डबरा करके ये जंगल बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली थी कि कुछ सशस्त्र नक्सली जो है वो एकत्र हुए हैं और इसी के आधार पर जो है टीम जो है वो सर्चिंग के लिए निकली हुई थी। तभी घात लगाए नक्सलियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की।
पुलिस के वालों के द्वारा उन्हें रोकने का भी प्रयास किया गया, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई इसके बाद जो है आत्मरक्षा के रूप में भी पुलिस ने भी उन पर फायरिंग की और दोनों के बीच करीब 15 से 20 मिनट तक आमने सामने की फायरिंग हुई। इसके बाद नक्सली जो है पुलिस बल को भारी पड़ता देख वहां से जंगल घने जंगलों का फायदा उठाते हुए भाग निकले। कुछ देर बाद फिर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची, वहां पे सर्च अभियान चलाया गया। अभी भी पुलिस जो है वो इस क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चला रही है। वहां काफी संख्या में जो उनका घरेलू सामान है वो बरामद हुए हैं। कुछ जो शस्त्र है, जो बंदूक वगैरह है, AK-47 राइफल्स है, ये सब बरामद किए गए। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने इसके बारे में जानकारी दी और खुलासा भी करने की बात कही गई है, उसमें और डिटेल मिल पाएगा कि पुलिस को ने मौके पर क्या क्या वहां से बरामद किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसमें एक ये भी देखा जा रहा है कि नक्सली जो है लगातार उस क्षेत्र में उनका मूवमेंट बढ़ा है। और हाल ही में अभी जो छत्तीसगढ़ के DG हैं और 3 राज्य मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पुलिस की टीम यहां पर संयुक्त रूप से बैठक करके गई है। 2 दिन पहले ही ये नक्सलियों के लेकर एक बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी थी, रणनीति बनाई गई थी और उसी का एक परिणाम ये कहा जा सकता है कि 2 दिन के भीतर इस तरह से नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ सामने आई है। रेणु, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से देखिए कि बहुत दिनों बाद पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ सामने आई है। हालांकि नक्सली भाग खड़े हुए, सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। और चलिए अब रुख करेंगे 50-50 खबरों का। हरदा में